अच्छा हाँ 1,35,000 रुपये नगद कैश दिया, लेकिन 1 पैसा का सब्सिडी नहीं आया अभी तक, नहीं आया था अभी तक। मैं उसको क्या कर सकता हूँ? लॉकडाउन लग जाए, भूखे मर जाएंगे लोग, उससे ही बुरी स्थिति हो जाएगी, चोरियाँ करेंगे लोग, एक दूसरे को मार फाड़ के खाएंगे, और क्या करेगा इंसान जिंदगी में। हमारे पास लाइसेंस है, बैच है, आरसी है, परमिट है, सरकार को टैक्स भी हम दे रहे हैं, तो भी हमारी पूरी नहीं सुनाई दे रही सरकार को। दिल्ली बोलते हैं कि दिल्ली दिल की राजधानी है, लेकिन हम लगे कि दिल्ली से तो नरक जो है कहीं बिहार और यूपी का रोड है, ये दिल्ली बिल्कुल नरक है। कोई इंश्योरेंस नहीं है, कोई लाइसेंस नहीं है, मेन रोड पे घूम रहे हैं उत्तम नगर से लेके इंदौर लोग तक 20-20 रुपए में जा रहे हैं, बताइए ऑटो वाले क्या करेंगे। अरे जिसके बदौलत तुम सरकार बनाए उसको तो कम से कम देख लो, उसका भी तो देख लो नजरिया। रोड पे चलते ट्रैफिक वाले चलान कर देते हैं, अंदर अंदर चलाते हैं, 100-200 रुपए कमाते हैं। बैंक साथी दे रहा है 50,000 रुपए तक कमाने का शानदार मौका, और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आज ही बैंक साथी ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार, मैं दिव्या, और इस वक्त आप मेरे साथ देख रहे हैं झलको दिल्ली। आपको बता दें कि बस और मेट्रो की बात करें तो 100% की क्षमता से उनको चलने की परमिशन दे दी गई है, लेकिन बात करें ऑटो की तो अभी भी ऑटो में 2 या 3 सवारी से ज्यादा ऑटो वाले ऑटो में नहीं बिठा सकते। साथ ही कोरोना जैसी महामारी देश की राजधानी दिल्ली में और पूरे देश भर में वापस से देखने को मिल रही है। लगातार रोजाना कोरोना के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। दफ्तरों की बात करें तो दफ्तरों पर इस वक्त वर्क फ्रॉम होम करने के लिए सभी दफ्तरों को कर दिया गया है। ऐसे में ऑटो चालकों को किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, हमारे पीछे बहुत सारे ऑटो चालक मौजूद हैं। एक बार इनसे जुड़ेंगे, क्या कुछ दिक्कतें इन्हें आ रही हैं वो इनसे जानेंगे और आज आपको दिखाएंगे। हाँ जी, क्या नाम है सर आपका? शिव नारायण। शिव नारायण, हाँ जी। शिव नारायण जी, कितने सालों से आप ऑटो चला रहे हैं? मैं मैडम 38 साल से चला रहा हूँ दिल्ली में ऑटो। 38 सालों से चला रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, तो अभी जिस तरीके से आप देख रहे हैं सारे दफ्तर बंद हो गए हैं, क्या क्या दिक्कतों का सामना आपको? सारी दिक्कत है, मेट्रो की बस में अलाउ करी थी सवारी, क्या देखो आधी आधी जाएगी, अब सब में देखो फुल फुल कर दिए। देखो ऑटो का कुछ नहीं दिया, अगर 3 बैठाओ 4 बैठाओ तो कोई चालान नहीं है। अगर हमें ये भी डर रहता है कि अगर हम 4 बैठा दे तो आगे हमारा चालान कर दिया जाएगा, तो इसलिए अब 3 अलाउ नहीं करी। अब 4 सवारी है, वो कह दिया हम एक ही में जाएंगे। अब हम कहते हैं एक में नहीं ले जाएंगे, चालान कट जाएगा हमारा। तो अब दो के उसके पास पैसे नहीं है, एक में तो कंप्रोमाइज कर लेते हैं कि 50-100 रुपए गड़बड़ करके दे देता, एक ऑटो में बंदा 300 रुपए नहीं दे सकता है, नहीं दे सकता। तो इस टाइम तो वैसे भी सर्दी, देखो मौसम है, सर्दी में काम ही नहीं है बिल्कुल ना, बीमारी की वजह से मार्केट खाली पड़ी, कभी कभार बैठे रहते हैं, कभी कभार 2-4-5 मिल जाते हैं, कभी कभार तो खाओ 0 पॉइंट होता, घर पर खाली जाना पड़ता बैठे बैठे। 8 बजे मार्केट बंद हो जाती है। अब हम कल आए थे 11-12 बजे, लेकिन शाम को 5 बजे सवारी मिली। अच्छा, पूरा दिन खाली रहे आप? पूरा दिन खाली रहा और यहीं बैठा रहा, तो शाम को मिली। अब क्या है, वही खर्चा भी नहीं आया, तो माफिया भी है ना यहाँ पे। अच्छा? यहाँ पे जितनी गाड़ी है, कोई भी सरकार आती है तो बोलती है कि मैं आपके लिए कुछ करूंगा, लेकिन ये सारा गाड़ी टोटली गाड़ी फाइनेंस है, मास लगा लेना, और वो कम से कम जो है ना 16% 18% का फाइनेंस है गाड़ी। अच्छा? अभी अगर हम उनको ये लॉकडाउन में काम नहीं है तो गाड़ी अगर हम वो गाड़ी खींच लेंगे, इसके लिए सरकार हमारे लिए कोई एक्शन नहीं ले रही है। गाड़ी तो मेरे नाम से है, लेकिन सारा माफिया खरीद चुका है। गवर्नमेंट की बैंक भी हमसे पूरी, किसी ने गवर्नमेंट की बैंक में जहाँ थी ना उसने भी हमसे ब्याज लिया है, डबल लिया है। ऐसी जो तो प्राइवेट तो बिल्कुल मतलब गाड़ी उनकी हो जाती, जब बंदा 15-15 हज़ार किस्त है तो अब कहाँ से करेंगे, वो रोटी अपने बच्चे नहीं पाल पा रहे। मैम मेरे गाड़ी पर साल मतलब 6 किस्त लग गया था साथ। अच्छा। और फिर डबल फाइनेंस हुआ है 2 साल की, और अब फिर किस्त टूट जाएगा, मैं फिर 2 साल की जाएगा वो फिर लगा देते, मैं क्या करूँ बताओ। लॉकडाउन मैडम दिल्ली में बड़ा परेशान है आज के डेट में। देखो आप जहाँ देखिएगा कहीं आपको गाड़ी लगाने की जगह नहीं मिलेगा, कहीं नहीं। अभी मेरे गाड़ी यहाँ लगता लगेगा नहीं, जब मैं कहाँ लगेंगे, जहाँ लगेंगे गाड़ी है, सवारी है नहीं, रोड पर चलते रहते गाड़ी, अब सवारी तो है नहीं। जो भी सरकार आते हैं बोलते गरीब को भला करेंगे, लेकिन गरीब को भला नहीं करते, गरीब को भगाते हैं ये। हम केजरीवाल के लिए कितने ये करे हम लोग जानते हैं,
खूब पोस्टर लगाए, जोड़ के लगाते थे, लगाओ भैया चिपकाओ। और आज के डेट में देखो केजरीवाल सरकार हम लोगों के लिए कुछ नहीं, कहीं भी गाड़ी खड़ा करते हैं वहीं फर्रा लेकर चलान कर देते हैं, और वो बोलते हैं जगह जगह पर चलान काटते, कहीं हम लोगों का सुख नहीं है। रेडी लगाते हैं, अगर उनके सामने लगा दो बोलेगा भगाओ भगाओ भगाओ। बताओ मैम, हम रोड टैक्स देते हैं, गाड़ी पूरे ये करते हैं, वो क्या देते हैं रेडी वाला? लेकिन आज रेडी वाला साथ में हम लगा नहीं सकते हैं, भगा देंगे। इनके लिए कोई समस्या आप लोग जुड़े है, इनको समस्या जरूर, मेरे बात आगे बढ़ाइए आप। जैसे हम यहाँ खड़े, हम लोग अभी पुलिस वाले आ जाएंगे, हम यहाँ से भगा देंगे। अब न तो यहाँ नो पार्किंग का बोर्ड है, ना कुछ है, हमारी जब हम वहाँ खड़े होंगे तो जाम लग जाता है। अब एकांत में खड़े तो ऐसी समस्या हो जो पुलिस वाला है हमें ना भगाए। सारा रेडी पटरी वाले से पैसा लेते हैं, वो तो लेते हैं पटरी वालों से पैसा लेते हैं, बिल्कुल पैसा लेते हैं, वो तो सबके साथ, वो हमें मतलब नहीं लेगा, हमारे लिए भी तो जगह हो खड़े होने की, जो हम कहीं इज्जत से खड़े हो सके। वो दिल्ली में 35 रुपए की CNG चंपन पहुँच 55 पहुँच गई, हमारे रेट वही है। ये घर कैसे चला पा रहे हैं आप लोगों का? काम तो चल नहीं रहा जिसकी वजह से, घर कैसे चला रहे हैं? ऐसा है मैडम, भगवान मुंह दिया है तो हम देता है, 300, 400, 500 काम आ जाता है, जिसमें जो हमको घर में 700 खर्चा था, थोड़ा मैनेजमेंट से चल लेता है, कटौती करके थोड़ा सा। और मान लो बच्चों के जो है 1.5 किलो दूध लाते हैं, अभी आधा किलो चाय दूध ले आते हैं, कभी ना भी लाते हैं, क्या करें बताओ। फल फ्रूट ले जाते थे, हम लोग ले ही नहीं जा पा रहे, यही सब में कटौती हो जाता। दाल चावल तो इतना दे ही रहा सरकार, आप भी जानते हैं, वो तो खाने भर तो नहीं है, नमक तेल हो तो पेट तो भर ही जाता है, लेकिन हम लोगों को जन्म नहीं है, ना हम लोगों का दिल्ली में कोई चीज़ के ऐसा व्यवस्था हो, गवर्नमेंट हम लोग दिया हो। बढ़िया लोग हैं ट्रैफिक वाले, उनके जरिए से रोटी मिल भी रही है, माँ की कसम, वरना रोटी ना मिले। ट्रैफिक वाले के जरिए से रोटी मिल रही है, अरे वो ले लिए तो कोई बात नहीं भाई, वो भी नौकरी कर रहा है इसी बात रोटी, मगर उनकी ट्रैफिक वाले, उन्हें तो हम सदन करने का मन करता हुआ तुम्हारा, ट्रैफिक वाले बहुत बढ़िया है। आपका ही चलान नहीं काटते, बाकियों का तो चलान यहाँ पे चलान कर चुके हैं, हमें पता 10,300 का सिर्फ चलान है, उत्तम नगर पे घटा और बोलो मेरा 10,000 लोकल ही चलाते हैं ना रिक्शा? लोकल भी चलाते हैं, इधर उधर भी भाग जाते हैं, तो रिक्शे वाले ना, ये ऑटो वाले थोड़ी ना, ये आप तो रिक्शा चलाते हैं, रिक्शा इनका यही चल रहा है, इन्हें क्या पता लग रहा है? ऑटो वालों से पूछो ना आप, समस्या डेबी वाले हम महीने जाते हैं ना, तो ये लोग चलान खास करता ही नहीं है, लोगों का फर्क पड़ रहा है, इनका तो महीने जाता, हमारा थोड़ी ना महीने जाता, हम लोग महीना नहीं देते, हम महीना 1500 रुपए, हाँ 1500 रुपए, यहाँ जो है ना हम लोग देते हैं पार्किंग खर्चा, देते 1500 रुपए महीना एक रिक्शे का, भी आप लोगों को जगह नहीं मिलती खड़े होने की, जगह होने मिलता खड़े होने का, ये चक्कर है। केजरीवाल सरकार तो कहते हैं हम ऑटो वालों को, रिक्शा वालों का बहुत सोचते हैं, कुछ नहीं सोचते, कुछ नहीं सोचते मैडम, यहाँ तंग कर करके परिमाल लिया हो गया, बताने क्या देंगे, सब्सिडी देंगे, एक पैसा सब्सिडी नहीं है हम लोगों का, एक साल हो गया गाड़ी का, एक पैसा सब्सिडी नहीं है, महिंद्रा का गाड़ी है। तो आप एक बार देखेंगे इधर ऑटो इतने सारे खड़े हैं, ये भी सुबह से आए हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि शायद सवारी आए, और दूसरी तरफ देखेंगे ई रिक्शा सुबह से खड़े हैं लाइन से, आपकी जितनी दूर तक नजरें जाएंगी आपको सिर्फ और सिर्फ ई रिक्शा नजर आएंगे। ये सब वही ई रिक्शा है जो लोकल में चलाते हैं और आसपास चलाते हैं, लेकिन इन लोगों के पास सवारी नहीं है। ये देखिए इस ऑटो में ना ही गाड़ी का नंबर है, ना ही बाकी चीज़ें हैं, तो इनको ये अभी जिस तरीके से बात कर रहे थे कि चलान नहीं होता, ऐसी भी कुछ ई रिक्शा है जो मार्केट में चल रही है लेकिन इनका चलान नहीं होता। और आपको बताएं कि ट्रैफिक पुलिस वाले यहाँ से मुश्किल से 15-20 कदम की दूरी पे होंगे, लेकिन इस एरिया में चेकिंग होनी चाहिए कि जिनके पास बिना नंबर की गाड़ी है उनका चलान होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ऑटो के चलान होते हैं, ई रिक्शा के चलान होते हैं, तो इन पर क्यों नहीं कार्रवाई की जाती? रिक्शे के अंदर कोई नंबर नहीं होता, सारी जगह जाम उठाए, चल मेन रोडों पे चल रहे हैं, बताइए सब जगह जाम लगा रखा है, केजरीवाल कर क्या रहा है? सरकार सो गई है क्या केजरीवाल की? केजरीवाल जी तो कहते हैं ऑटो वाले, इनको हमें कहते हैं कि पार्लियामेंट तक कोई नहीं रोक सकता, आप इस समय सरकार हमारी है, ऑटो वाले क्या करें, इन्हें इनकी सवारी सारी रिक्शे वालों ने छीन ली है।
दिल्ली सरकार जो बार बार ऑटो रिक्शा ई रिक्शा वालों का और जो ऑटो चालक है उनका सोचती नजर आती है, कहीं ना कहीं सच्चाई जमीनी स्तर पर आप लोगों के सामने है कि दिल्ली सरकार इन लोगों के लिए कितना कर रही है। पिछली बार भी कोरोना में आधे से ऑटो चालक जो है वो लोग अपने घर की ओर रवाना हो चुके थे, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं इनकी स्थिति ठीक हुई और फिर से अभी जिस तरीके से कोरोना में लॉकडाउन जैसी स्थिति लगने की अफवाहें उड़ रही है और शायद हो सकता है कि अगर मामले बढ़े तो लॉकडाउन जैसी स्थिति उत्पन्न हो, ऐसे में ये ऑटो चालक कहाँ जाएंगे, कैसे कमाएंगे, कैसे खाएंगे। अभी सारे दफ्तर बंद हो चुके हैं जिसकी वजह से इनके पास कोई ग्राहक नहीं आ रहा, और किराए की बात करें तो इनका इतने सालों से किराया नहीं बढ़ा है, ये उतने ही किराए पर गाड़ियाँ चलाते हैं और सवारियों को लेकर जाते हैं। अगर ये दो से ज़्यादा सवारी बिठाते हैं तो इनका बाहर चलान हो जाता है। तो इस वीडियो को शेयर करना अब आपकी जिम्मेदारी है, तो ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन खुशी लाल के साथ मैं दिव्या झलको दिल्ली।